हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं यूपी बिजनौर की तहसील चांदपुर में। यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई हैं जो ज़िला बिजनौर का जिन्होंने नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं उनका नाम तो इसलिए नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है न्यूज़ में, लेकिन हमारे गुरु हैं और लगभग ये बता रहे हैं 84-85 साल की उम्र हो गई है इनकी। राकेश आर्य जी प्रचारक भी हैं, गायक भी हैं और इतनी खूबी है कि गिनाने में कमी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी गुरु जी नमस्कार। नमस्ते। सामने दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत बहुत आपका तो दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये नजर तो आपकी है कि आपने मुझे पहचान लिया जी। इतने वर्षों के बाद आप मिले हैं मुझे जी। तो मैं तो भाई दीप साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपने स्टूडियो में बुलाया। और मेरी इस समय उम्र 84 साल हो गई है जी। लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद कैसे रखा, इतनी व्यस्त कार्यक्रम में आप लगे रहते हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। और मुझे उस दिन की याद ताज़ा हो गई जब आपने हमने पत्रकार एसोसिएशन खोली थी जी। और उसका बैनर मेरे यहाँ उसका हेड ऑफिस था जी। सारे पत्रकार आपने जोड़ कर रख दिए थे जी। आज आप दिल्ली में दिल्ली को शोभित कर रहे हैं हमारे ज़िले के नाम को। और मैंने भी अपनी जोतों करके जैसे भी आपके हुक्म हुआ वैसे ही मैंने भी अपने काम को ठीक रख रखा है। अभी भी मैं फ़िलहाल जो गंगा स्नान का मेला था उसमें गया था तो लोग ये समझते थे कि ये क्या गा पाएंगे, लेकिन आप खुदा की कसम कह रहा हूँ आपसे जा करें कि मैंने वहाँ इतना बढ़िया गाया कि सब अवाक रह गए, बोले भाई ये तो यार बहुत अच्छे गाए हैं अभी तक भी। तो भाई बहुत बहुत आपका मेहरबानी है। और मैं चाहूँगा कि एक मेरी थोड़ा सा एक गाने का आवाज़ का थोड़ा सा एक ऐसा वो बनाए आप थोड़ा जिससे कि मेरा नाम रोशन रहे। देखिए गुरुजी, हम तो वो जो प्रोग्राम है आपका आपके घर पे करेंगे, ठीक है, किसी दिन भी करेंगे, ठीक है। अब तो आप दर्शकों से जो शुभकामना संदेश है और सभी ये कहना चाहें कि अभी भी आर्य जी वही आर्य जी हैं, अभी तक तब्दीली नहीं आई है। बस देखिए मेरा शुरू से ये ख्याल रहा है कि अल्लाह ईश्वर जो भी आप कहते हों वो सब एक ईश्वर के खुदा के ईश्वर के नाम एक ही हैं। और मैं इसमें एतकाद रखता हूँ कि इंसान इंसान बनना चाहिए, उसमें आपस में ना इत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए, एक ऐसा मेल मोहब्बत हो ऐसा हमारा अब आपका हमारा दोस्ताना रहा है, यही हम चाहते हैं कि देश में ऐसे इसी प्रकार से। गुरुजी 84 साल आपने बिता दिए, हाँ, क्या उस 84 साल में आज तक जो अब वक्त या दौर में चल रहा है जी, हिंदू मुस्लिम में कोई मनमुटाव से हो रहा है ना, ना हमारे की परेशानी आ रही है हमारे तो सामने, इसमें लोगों के मन में क्या भ्रमांति है? देखिए हम तो यूँ कहते हैं कि ये लड़ने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ाते हैं जनता को, वैसे जनता इतनी भोली है बेचारी हमारी, ये थोड़ा भाग जाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन हम जैसा आदमी तो भागता नहीं। हमने तो शुरू से पहले CPM को अटेंड किया और CPM के बाद में फिर हम आर्य समाज में आए, तो वेद भी ये कहता है और कुरान पाक भी यही कहती है, वो सब कहते हैं कि तू पहले इंसान तो बन, है अल्लाह को ईश्वर को तो फिर बाद में देखेगा। आपके प्रचार हमने कई जगह देखे हैं जो स्टेज प्रोग्राम करते थे आप, हाँ, उसमें सब में आप में यही उपदेश रहता था आपका कि हिंदू मुस्लिम एक समान है, बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह का कोई। मेरा अपना ख्याल तो ये कि एक डाल पर मुल्ला बैठा, एक डाल पर पंडा हो पंडा, आपस में ये बजा रहे हैं देखो दोनों डंडा, बोलो है ना है ना है ना, ये मेरा मकसद रहा है शुरू से जी, जी। हाँ बहुत टाइम हो गया मुझे, हमारे यहाँ पीने के सिद्धू मियाँ थे हमारे दोस्त, बहुत हमारे जिगरी यार थे, जिनको मैंने इनकी दुकान का नाम संगीता मेरे द्वारा ही रखा गया था। अच्छा, हाँ आज उनके नाम से यहाँ बहुत तरह की एक तरह से काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। हाँ प्रोग्रेस है, लड़कों ने उनके बच्चों ने बहुत तरह जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अरे जी आपने नहीं आपका अगले अंक में दर्शकों ठीक हम अगले अंक में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद आर्य जी का जो प्रोग्राम है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।